फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ, भुने चने की बर्फी। तो चलिए मैं बना के दिखाती हूँ आपको भुने चने की बर्फी। देखिए, भुने चने हैं, ये हैं भुने चने। अब इनको मैं पीस लेती हूँ, फिर मैं आपको देखिए भुने हुए चने पीस लिए हैं, उनका ये बेसन बन गया है सब, तो फाइन एकदम। और ये मावा है। और ध्यान रखें, अगर आपके रोस्टेड चने भुने चने 250 ग्राम है तो आधा किलो मावा लगेगा, और अगर आधा किलो चने हैं तो एक किलो मावा लगेगा, इस बात का ध्यान रखें। मैं कोई कप से नहीं नाप रही हूँ, बस बेड से नापा है मैंने, उसके हिसाब से मैंने मावा लिया। गैस ऑन करती हूँ, स्लो फ्लेम। एक चम्मच घी डालूंगी, और इसमें डालूंगी मावा। बस इसको धीमी धीमी आंच पर इसको मावा को पहले भूनना है। अब ये भून गया है, ज्यादा नहीं भूनना है। और इसमें डालती हूँ पाउडर शुगर, किसी भी चीनी मैं 1.5 कटोरी डालूंगी। क्वांटिटी के अपने हिसाब से, और जब आप जितना मीठा खाते हैं उसके हिसाब से आप डाल लें। कम खाते हैं तो कम डाल लें, ज्यादा खाते हैं तो ज्यादा डाल लें, कोई दिक्कत नहीं है। 250 ग्राम तक आप डाल सकते हैं, अगर आधा किलो है तो, और अगर चने आपके 1 किलो हैं तो आधा से लेके, मतलब 300 ग्राम से लेके आधा किलो तक डाल सकते हो, 500 ग्राम तक, मतलब 300 से लेके 500 ग्राम तक। तो अपने हिसाब से आप डालें। इसको मिक्स करती हूँ अच्छे से। ये 7 से 8 इलायची, हरी इलायची का पाउडर है, मैं इसमें डाल रही हूँ। और अगर आपको ड्राई फ्रूट्स डालने हैं कट करके तो अभी इस टाइम डाल लें। मैं अभी डालूंगी नहीं, मैं ऊपर से लगाऊंगी बर्फी के। अब मैं इसमें धीरे धीरे ये सत्तू यानी भुने चने का बेसन डालूंगी। थोड़ा थोड़ा करके इसे मिक्स करती जाऊंगी। और अगर आप इस टाइम पे डालना चाहते हैं तो येलो फूड कलर डाल सकते हैं, बट मैं नहीं डालूंगी, अभी ऐसे ही रखूंगी नेचुरल कलर। ऐसे सारे मिक्स कर लेती हूँ इसमें। देखिए बर्फी जमने को तैयार है, अच्छे से बेसन मिक्स कर लिया है। अब मैं फ्लेम को बंद कर रही हूँ।
3 से 4 घंटे के लिए इसको मैं रख दूंगी सेट होने के लिए। ट्रे को ग्रीस कर लेती हूँ। और आपके पास अगर ट्रे नहीं है तो आप थाली में जमा सकते हैं बर्फी। इसको सब तरफ से ग्रीस कर लें। इसमें निकाल देती हूँ इसको अच्छे से, चाहे आप चम्मच ले लीजिए चाहे स्पैचुला की मदद से इसको सेट कर लूंगी सारा। और आप भी ऐसे ही करें। सारा एकदम सेट कर लेती हूँ। इस ट्रे में मैंने बर्फी सेट कर दी है और ये पिस्ता डाल दिए हैं कट करके। अब इसको मैं सेट कर रही हूँ इस पे पिस्ता को। स्पैचुला की मदद से ये सेट हो जाएगा। इसको 3 से 4 घंटे के लिए रख दूंगी। सेट तो पहले हो जाएगी बट देख लूंगी मैं और रख देती हूँ 2 से 3 घंटे के लिए जरूर। देखिए फ्रेंड्स 1.5 से 2 घंटे हो चुके हैं और बर्फी सेट हो गई है ये बेसन की। अब मैं कट कर लेती हूँ इसको। कट तो पहले ही लगा दिए थे ताकि बाद में आसानी हो जाए। देखिए मैं बर्फी निकालती हूँ। देखिए एकदम अच्छे से बर्फी सेट हो गई है और निकल रही है एकदम बढ़िया। देखिए और आप पतली पीस चाहे तो पतली निकालें और अगर मोटा चाहे तो मोटा। देखिए मैंने ना ज्यादा मोटा है ना पतला है ऐसे पीस निकाले हैं जमाए हैं और सारे मैं ऐसे निकाल लेती हूँ सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स भुने चने की बर्फी बनकर तैयार है और बहुत जल्दी सेट हो गई है। 2 घंटे भी नहीं लगे इसको बहुत जल्दी सेट हो गई और खाने में भी उतनी ही टेस्टी है। और आप जरूर ट्राई करना इस रेसिपी को। देखिए बहुत ही अच्छी बनी हुई है मैंने कोई कलर भी नहीं डाला। बहुत जल्दी बनने वाली है बस 10 मिनट में बनकर तैयार हो गई। आप भी मेरी रेसिपी को ट्राई जरूर करें। देखिए लग रही है ना एकदम मस्त बर्फी। देखिए देखिए तो आप भी मेरी रेसिपी को ट्राई जरूर। फ्रेंड्स भुने चने की बर्फी बनकर रेडी है। आप बताइए कैसी लग रही है आपको। तो आप भी मेरी रेसिपी को ट्राई जरूर करें और मेरी रेसिपी अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।